दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं कुछ ऐसे रिपोर्ट्स जिनकी मदद से ये पता चल रहा है कि OnePlus भी अब टीवी लॉन्च करने वाला है। यहाँ पे ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स लीक हुए हैं जहाँ पे ये पता चल रहा है कि OnePlus अब एक टीवी पे भी काम करना शुरू कर दिया है, और ये बहुत ही कमाल की बात है क्योंकि OnePlus ने स्मार्टफोन के मार्केट में आके बहुत ही बड़ा धूम मचाया है। जैसा कि आपने देखा होगा, OnePlus फ्लैगशिप के जो स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स होते हैं वो हाफ प्राइस पे आपको प्रोवाइड करता है, तो ये बात जान के लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि OnePlus अब कुछ टीवीज भी बनाने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो टीवी की मार्केट है उसमें सही में चीजें कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइस्ड हैं। तो दोस्तों ये मेनली लीक हुआ था OnePlus के सीईओ के थ्रू, जिसने OnePlus 6T के लॉन्च के वक्त बोला था ये बात कि वो टीवी पे भी काम कर रहे हैं, और वहीं से सबसे बड़ी हिंट मिली थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके पीछे थे कि सर क्या है उसके पीछे, तो उन्होंने बोला कि अभी हम उस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात सच है कि OnePlus टीवी लेके आने वाला है। अभी तो फिलहाल OnePlus के 4 साल पूरे हो गए Amazon के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में, तो जैसा कि आपको पता होगा कि OnePlus की कोई ऑफलाइन स्टोर नहीं है, अगर वो है भी तो ज्यादा नहीं है इंडिया में। तो OnePlus का जो मेनली सेल होता है वो Amazon के थ्रू ही होता है, और यहाँ पे अभी OnePlus और Amazon को 4 साल हो चुके हैं एक साथ बिजनेस पार्टनरशिप में, तो ये वाकई बहुत ही कमाल की बात है। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि ये टीवीज कैसी होंगी, तो जहां तक मुझे लगता है कि ये टीवीज फॉर श्योर कुछ ऐसी होंगी जो कि फ्लैगशिप टेलीविजन्स जितनी भी हैं उनके बराबरी की हो और बहुत सही रेट पे हो। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी जो टीवीज का मार्केट है, यहाँ पे आपको फुल HD स्मार्ट टीवी ये तो एक कॉमन सी चीज हो गई है, लेकिन यहाँ पे अच्छे डिस्प्ले क्वालिटी, अच्छी साउंड क्वालिटी और अच्छे स्मार्ट फीचर्स अगर आपको किसी एक टीवी में मिलते हैं तो उसके दाम बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि OnePlus यहाँ पे कुछ अच्छा लेके आएगा और कुछ अलग लेके आएगा जो कि उसे भी टीवी के लाइन में काफी अच्छा ये कर दे। हालांकि पे सब कंपनीज अगर हटा दे तो OnePlus की सबसे बड़ी कंपटीशन होगी Xiaomi के साथ, क्योंकि Xiaomi ने जो इंडिया में टीवीज लॉन्च किए हैं वो काफी अच्छे हैं और वैल्यू फॉर मनी बहुत है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि OnePlus जो टीवीज लेके आएगा उनमें कुछ ऐसा फ्लैश सेल वाली बात ना हो जाए। वैसे अगर आप देखेंगे तो अभी का एरा बिल्कुल उल्टा हो गया है, जहां ये स्मार्टफोन आना शुरू हुई थी उस एरा में जो कंपनीज स्मार्टफोन लेके आ रही थी वो ऐसे घर के अप्लायंसेस बनाती थी, टीवीज बनाती थी, फ्रिज बनाते थे, ऐसे ऐसे कंपनीज स्मार्टफोन्स लेके आ रहे थे, और आज के एरा में ये उल्टा हो रहा है कि जो स्मार्टफोन के कंपनीज है वो अब इन सब होम अप्लायंसेस की चीजों में घुस रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है क्योंकि यहाँ पे पूरी मार्केट ही उल्टी पड़ गई है, और ये एक चीज दर्शाता है कि अगर आप वैल्यू फॉर मनी चीजें बेचोगे तो आपका नाम जरूर होगा। तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है, आपको कैसी टीवी चाहिए, क्या लगता है आपको OnePlus कैसी टीवी लेके आएगा। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज यार इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिए अपने जितने भी दोस्त हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव हैं, सबके साथ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ जो कि जनरली टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होती है। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।